वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है सैटरडे। कल रात को हमने ऐसे डिसाइड किया कि सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, बारबेक्यू करेंगे। आज का वेदर भी काफी अच्छा है तो हम सब आज मिलने वाले हैं मेरे फ्रेंड के घर में, तो वहां पर बारबेक्यू वगैरह होगा। उससे पहले अभी एक क्लीवलैंड में लार्ज हैंड करके एक प्लेस है, वहां पर हैंड है तो वो फेमस है। अगर आप क्लीवलैंड में सर्च करोगे तो वहां पर फोटोशूट मतलब फोटो निकालूंगी, क्योंकि वो कॉलेज के साइट पे पोस्ट करनी है। अगर सेलेक्ट हो गई फोटो तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, तो अभी वहां पर जा रही हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगी फ्रेंड के यहाँ। ये है लार्ज हैंड क्लीवलैंड का, तो यहाँ पर अभी फोटो खींचूंगी। जब मेरा क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में ऑफर एक्सेप्ट हुआ था, एडमिशन मिल गई थी, तो मैंने क्लीवलैंड के बारे में सर्च किया था तो मुझे सबसे पहले ये दिखा। तो मेरी बहन बोल रही थी कि कभी भी अगर क्लीवलैंड में जाएगी वहाँ पर एडमिशन लेगी तो यहाँ पर आके फोटो खींचना, तो अभी वही बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात है ये। Doing your job without you having to worry, like as you should, but like, this is America, so hi. How are you doing this? Well, I was supposed to go back to work at the beginning of the month. तो अभी हम सब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, सबने अपने अपने घर से थोड़ा बहुत खाना लाया है, तो वो बहुत सारा हो गया, पेट भर के खाना हो गया। और मुझे इस एरिया में आके ये एरिया बहुत ही अच्छा और शांत सा लगा, और इनका घर भी जो है, मेरे फ्रेंड का घर भी बहुत ही बड़ा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको क्विकली ऐसे दिखा दूँ कि अमेरिका के इंडिपेंडेंट घर कैसे होते हैं, तो हम ऐसा क्विकली देखेंगे। मैं ऐसा कंप्लीट टूर तो नहीं दूंगी एकदम प्रॉपर कि ये ऐसा है, यहाँ पर ये है, क्योंकि दूसरों के घर में मुझे थोड़ा सा ऐसे बताना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने परमिशन ली। हम ये एरिया देखेंगे और ये घर देखेंगे। ये एरिया है जो कि बहुत ही शांत सा है, और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रीनरी वगैरह है। और ये है इंडिपेंडेंट बंगलो, तो ये का पाँच हजार से 5,500 स्क्वायर फुट का। अभी अमेरिका में फॉल सीजन है तो पत्ते झड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल है, ये गार्डन है। और अभी हम चलते हैं उस साइड में, तो यहाँ पर ये बास्केटबॉल का ये है पर्सनल, यहाँ पर है गैरेज। और यहाँ के घर के कलर जो होते हैं वो बहुत ही लाइट से होते हैं, तो इनका भी घर देखिए लाइट सा ही कलर है। और ये देखिए ये यहाँ पर है गैरेज, तो यहाँ पर 3 कार अच्छे से आ सकते हैं। और वहाँ पर है सब्जी लगाई हुई है, तो यहाँ पर सब्जी लगाई हुई है, तो मेरे फ्रेंड्स अभी सब्जी तोड़ रहे हैं, टोमेटो तोड़ रहे हैं। यहाँ पर फूल है, और वहाँ पर हम बारबेक्यू कर रहे हैं, तो बाकी लोग वहाँ पर बैठे हैं। देखिए यहाँ एरिया, ये भी लॉन पूरा जो है ग्रास जहाँ तक दिख रही है, और इसके पीछे भी उनका ही एरिया है। यहाँ पर बारबेक्यू हो रहा है, और ये देखिए डाइनिंग एरिया, ये छोटा सा झूमर भी लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर एक रूम, यहाँ पर एक फिश टैंक है, और यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है। और यहाँ पर ऐसे लाइव प्लांट्स भी रखे हैं। ये है सन वाला रूम, मतलब यहाँ से डायरेक्टली सनलाइट आती है, तो यहाँ पर आप बैठ के सनलाइट ले सकते हो। तो अभी हम किचन हॉल ये सब कुछ देखते हैं क्विक में। तो ये रही किचन, ओवरऑल किचन ऐसे ओपन किचन है इसमें, और ये है वुडन का फ्लोर। ये देखिए यहाँ पर गैस है, ये अपनी इंडिया जैसी ही है नॉर्मल गैस। और ये फ्रिज है, तो देखिए ऐसा लगता नहीं है ये फ्रिज है, पर ये फ्रिज है ये दोनों भी साइड। फिर यहाँ पर कैबिनेट है, ये बर्तन धोने की मशीन है। साथ में ऐसी एक बार क्विकली देख लेते हैं, और यहाँ पर ये है ओवन, गैरेज से यहाँ पर आ सकते हैं। और आते बराबर यहाँ पर शूज़ रखने के लिए जगह वगैरह है, और ये है लॉन्ड्री रूम,
तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन ड्रायर वगैरह है, उस साइड में वॉशरूम है, ये एक दूसरी वाली फ्रिज है और यहाँ पर कैबिन, यहाँ पर एक छोटू सी एक जगह है और ये बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो यहाँ पर खाने के लिए बैठ सकते हैं। और वो कॉर्नर भी अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए यहाँ के कलर जो होते हैं ना, घर के कलर लाइट से होते हैं, डोर का कलर है वाइट। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, साथ में ये भी एक हॉल जैसा ही है। और यहाँ पर ये एक पियानो रूम है, तो देखिए यहाँ पर पियानो है और यहाँ पर बैठने की जगह। ये जो घर है काफ़ी बड़ा है, प्रॉपर अमेरिकन घर है ये। और अभी यहाँ पर देखते हैं, मैं कहीं घूमना हो जाऊँ क्योंकि बहुत ही बड़ा घर है। यहाँ पर कुछ ऑफिस जैसा लग रहा है, तो ये ऑफिस है और यहाँ पर वॉशरूम है। और अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, ये हॉल है, सोफ़ा, देखिए इतनी बड़ी टीवी भी है। और यहाँ पर लकड़ी वगैरह जलाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब। अभी हम घूम के आ गए हैं यही जगह। अपने इंडिया में कैसा होता है कि ज़्यादातर पूरे पूरा घर जो होता है सीमेंट का होता है, यहाँ पर घर भी बनता है तो वो वुडन का होता है और सिर्फ बाहर की जो दीवार होती है वही सीमेंट की होती है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया होम टूर, उसमें सिर्फ मैंने ये वाला ही फ्लोर दिखाया। तो नीचे बेसमेंट है और ऊपर और फ्लोर, मतलब ऊपर भी रूम है। तो अभी तो मुझे ऐसा क्विक दिखाना था क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं, तो मैं ऐसे ज़्यादा टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। पर अगर आपने इस वीडियो को 5000 लाइक दे दिए तो मैं इस घर का पूरा टूर भी आपको दिखाऊंगी। स्पेशली घर का टूर देने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगी। तो पर जनरली मेरे वीडियो पे 5000 लाइक्स तो आते ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हो गए 5000 लाइक। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक, तो ये सिर्फ मैंने आपको ये, हाँ, तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये ऊपर का फ्लोर दिखाया, इसके नीचे भी बेसमेंट है और ऊपर भी रूम है। पर अभी